बरतानिया में आम इंतखाबात 4 जुलाई को होंगे। वजीर आजम ऋषि सुनक ने तारीख का ऐलान कर दिया। कबल इस वक्त इलेक्शन से किंग चार्ल्स को भी आगाह कर दिया गया। चाहते हैं सियासी माहौल में राबते बढ़ते जाएं। इख्तलाफात खत्म नहीं किए जा सकते, नर्म तो हो सकते हैं। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा फजलुर रहमान से मुलाकात मुस्बत रही, चाहते हैं तमाम जमाते तहरीक के तहफ्फुज़ आइन में उनका साथ दे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर हमले की एफआईआर मुस्तरद, तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाए। उमर अयूब का मुतालिबा, कहा तेज धार आले से वार हुआ लेकिन मुकदमे में दहशतगर्दी का जिक्र ही नहीं, आइंदा ऐसा हुआ तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन ने कहा मेरा जख्म तो भर जाएगा, रियासत को लगे घाव कैसे भरेंगे, जबर के बावजूद नहीं झुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट मामले पर असखुद नोटिस ले, बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात, ईरानी सदर की हादसाती मौत पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ की इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा के ताज़ियती तकरीब में शिरकत, क़ायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबर से भी इजहार अफसोस। और बारिश का खेल, लीड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मंसूख। अंपायर्स और मैच रेफरी ने मौसम का जायजा लेने के बाद टॉस से पहले ही मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया।